तो वीडियो हो गया आगे? मैंने शूट कर लिया है, इतना बता दिया है जो। हेलो गाइस ये देखो खाई जा रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग एट कप्स एंड कोस्टर्स। तो हम तैयार हो चुके हैं और बच रहे हैं अभी 7 और हम जाने वाले हैं एक साथ कहाँ? आज हम कुछ नई प्लेस को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसे त्रिमंदिर कहते हैं, और उसके बारे में आपको पता चलेगा एक बार हम वहाँ पहुँचते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। चलिए चलते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं, अभी तो स्टार्टिंग की है मिस आयशा ने, तो देखते हैं आगे कैसा चलता है ये ब्लॉग। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट शॉट। सो गाइस, अब यहां से हम हाईवे पकड़ लेंगे, एसजी हाईवे। ये वैसे तो दूसरा हाईवे है, लेकिन और सबसे बड़ी बात ये है कि यार हम हाईवे को पकड़ नहीं सकते। ओके okay. हमने हाईवे पकड़ लिया तो यार दूसरे को भी जाना है, जाने देते हैं। तो एवरीवन, इधर है हमारा छोटा सा इनका एक रेस्टोरेंट है, और इस साइड है यहाँ पे पूरा त्रिमंदिर। यहाँ से आप ऊपर जाओगे तो ऊपर कॉन्सेप्ट है त्रिमंदिर का। यहाँ पे एक छोटा सा पीछे लॉज है जहाँ पे आई गेस इनका जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हों, और इस साइड है आप देख सकते होगे, जूम करता हूँ आपको, ये दिख रहा है अम्बा इंस, इस साइड इनका लॉज और यहाँ पे रेस्टोरेंट है जहाँ पे सिर्फ जैन फूड्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बेसिकली वो अच्छे हैं वहाँ से, लहसुन प्याज जैसा कुछ नहीं होता, तो इट्स क्वाइट गुड। हमने डिसाइड किया है कि हम पहले चलेंगे कुछ खाने के लिए, पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट बंद हो जाता है, लास्ट टाइम हम वहाँ धोखा हो गया था। आप भी आ रहे हो यहाँ श्री मंदिर में, तो मेक श्योर कि आप अगर रात के टाइम पे आते हो या आफ्टर 7 PM आते हो तो आप पहले जाओ और कुछ खा पी लो अगर खाने का कुछ प्लान है तो, उसके बाद आप आराम से मंदिर घूमो। मंदिर 10 बजे तक, 10:30 बजे तक खुला रहता है। एक पेस्ट्री लेते हैं। पेस्ट्रीज का नहीं है? हाँ, एक लेते हैं ना, एक ये वाला लेते हैं। कौन सी वाली? ये चॉकलेट वाला है, देखो दोनों चॉकलेट ही बता रहा है, ये वाला नहीं है, येलो वन। ठीक है चॉकलेट ले लेते हैं। हाँ लेकिन कूपन ले लेते हैं ना, तो कूपन इधर से होगा शायद आएगा। तो सो ये है यहाँ का मेन्यू, आप देख सकते हो रेट एंड यू कैन चेक इट आउट, पॉज करके देख लेना अभी क्या है क्या नहीं है। तो दैट्स इट। हमने लस्सी ली है और ये एक पेस्ट्री है जो कि पाइनएप्पल पेस्ट्री है, और एक और ऑर्डर किया है जो भी टाइम लगेगा। क्या है, ग्रेवी मंचूरियन ना, ग्रेवी मंचूरियन है, आते हैं सर दिखाते हैं आपको। तो एवरीवन, मेम साहब ने कर लिया है एक डिश खत्म, दूसरे पे टूटने वाली है, दिखाता हूँ। हाँ? देखिए देखिए भाई, ये उधर वाली डिश है वो खत्म हो चुकी है प्लेट, दूसरी ये हमने ऑर्डर किया था ग्रेवी मंचूरियन, ये देखो खाई जा रही है। तो इस प्लेस पे हम आए और हम लोगों ने अपना डिनर कर लिया जो कि ग्रेवी मंचूरियन था, आपको पहले भी बताया। और ये आपका ये काउंटर है, इस काउंटर पे आपको केक एंड पेस्ट्री मिल सकता है, आइसक्रीम है, हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स है, बेवरेजेस, मतलब आप यहाँ पे आ सकते हो ले सकते हो। और लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ कूपन कराना पड़ेगा जो कि ये कैश काउंटर सेल्फ सर्विस है। यहाँ पे आप डाइनिंग एरिया आपका ओपन एरिया भी है, ओपन डाइनिंग एरिया है, प्लस अगर आप डाइन इन भी करना चाहते हो तो आपको अंदर भी स्पेस है प्रॉपर। और ये काउंटर्स हैं, जो भी आपको लेना है उसके लिए सबसे पहले आपको इस काउंटर से कूपन लेना पड़ेगा। तो इसका नाम है अम्बा रिफ्रेशमेंट्स, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ ऊपर। तो यहाँ पे है ऊपर बेसिक, और जो अपना मंदिर है वो मेनली ऊपर ही है, तो ऊपर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आपके शूज में है, आप वो कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो, तो दिस इज़ वेरी गुड।
चले आयशा। इधर से स्टेयर्स का रास्ता है और पीछे से लिफ्ट की सर्विस भी है, अगर कोई मतलब किसी प्रॉब्लम में है या किसी फिजिकल प्रॉब्लम में है तो वो जा सकता है, लिफ्ट भी यूज कर सकता है। साइड एक स्टेयर खत्म हुई, दूसरे स्टार्ट हो रही है। And this is the beauty of this place. See, आप यहाँ पे आपको शाम को भी आके आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक बार दिखा देता हूँ आपको पूरा लुक, कुछ ऐसा सा है त्रि मंदिर और यहाँ पे सीट्स वगैरह लगी हैं जो आप देख सकते हो, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो फाइनली हम यहाँ आ गए हैं, ये देखिए पीछे पे उसका कितना खूबसूरत लग रहा है। तो पूरी सेटिंग अरेंजमेंट्स हैं, आप यहाँ पे शाम को 4-5 बजे एनी टाइम आप आ सकते हो, बैठ सकते हो अपनी फैमिली के साथ, बहुत शांति है यहाँ पर। एंड सी, सो दिस इज द व्यू ऑफ द मंदिर। दिस इज द मेन एंट्रेंस, अगर यहाँ से हम घुसेंगे अंदर, मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर बोलना बहुत ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि सभी मेडिटेशन करते हैं अंदर। सही तो है लेकिन अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। तो इट्स ऑल गुड, आप व्यू लीजिए और हम आपको धीरे धीरे बातें बताएंगे एकदम। यहाँ पे हैं 3 द्वार, जिसमें से 1 द्वार ये है और यहाँ पे हैं कृष्णा जी, तीनों जो हैं कृष्णा जी के ही अवतार हैं वैसे तो, बट यहाँ पे 3 हैं। मैं आपको तीनों मूर्तियाँ दिखाता हूँ। ये हैं श्रीनाथ जी, तो यहाँ पे 3 मूर्तियाँ हैं। ये है 1 द्वार की, इसके साइड साइड में अम्बा माता है, ये पीछे का है झूमर बहुत खूबसूरत है वैसे, और ये है भद्रकाली देवी। और ये हम जा रहे हैं 2nd द्वार के तरफ, जो हमने मेन एंट्रेंस पे देखा था ना एक बड़ी सी मूर्ति थी, तो दैट मूर्ति इज ऑफ, आई विल शो यू। वन मोर थिंग कि यहाँ पे आप अगर ये द्वार देख रहे तो इस साइड जाओगे तो एक और मंदिर है छोटा सा इनका, और इस साइड आएंगे तो एक और मंदिर है। तो हम चलते हैं इस वाले द्वार की तरफ और देखते हैं कि इधर राइट हैंड साइड में तो गुजराती में लिखा है श्री पद्मनाम स्वामी जी भगवान, थोड़ा थोड़ा भगवान जी, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूँ मैं, गुजराती ज़्यादा आती नहीं है। आयशा नोज वेल देन मी, जस्ट यस। राइट हैंड साइड वाला जो द्वार है ना वहाँ से दिखता है देखो, तो बेसिकली ये जो मंदिर है त्रि मंदिर, ये कॉन्सेप्चुअल मंदिर है, मतलब ये कि एक कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। कॉन्सेप्ट पे बेसिकली ये बना है कि यहाँ पे जो हम जैसे सोचते हैं कि हमारे सारे भगवान अलग अलग हैं और बहुत सारे भगवान लोग हैं तो सबको एक साथ कवर अप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि गॉड इज वन, गॉड इज तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि भगवान जो भी रूप अलग अलग हैं, अलग अलग टाइम में उन्होंने अपना अवतार लिया,
लेकिन सारे भगवान एक ही हैं, तो ये यहाँ का कॉन्सेप्ट है। और मतलब लिटरली बहुत अच्छा मंदिर है, आपको एक बार तो विजिट करना चाहिए अगर आप अहमदाबाद में रहते हो, या अगर अहमदाबाद में नहीं भी रहते पर किसी पर्पज से आप अगर अहमदाबाद आते हो तो दिस इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट मंदिर इन अहमदाबाद, आपको बेशक बहुत पसंद आएगा। और मुझे लग रहा है कि मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन होती हुई, ऐसा लग रहा है कि मैं पिच पे कमेंट्री बात कर रहा हूँ। फ्रंट से एंट्री ली थी, फिर ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पे एक और मंदिर है छोटा सा, जिस मंदिर में विराजते हैं हमारे साईं बाबा। और ये बात भी है कि यार अगर आप कहीं पर जाते हो ना तो वहाँ के रूल्स की जो चीज़ें होती हैं आपको रूल्स मानने चाहिए यार, तो बेसिकली कहीं पे भी जाओ आप वहाँ पे रूइन नहीं कर देना चाहिए हर एक चीज़। सो दिस इज़ द फ्रंट व्यू, आप देखोगे ना ऊपर से तो कुछ ऐसा सा नज़र आएगा, थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है कैमरा में, ये नीचे देखोगे तो आप ऐसा दिखेगा। नीचे एक फाउंटेन है, लेट मी शो यू, नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ऊपर से जो व्यू आता है ना वो भी यहाँ से बहुत प्यारा आता है। देखो ये फाउंटेन है, एक्चुअली दिस इज द फाउंटेन, अभी रात हो गई है तो उतना क्लियर नहीं हो पा रहा, आप डे में आओगे तो आपको अच्छा लगेगा लेकिन दिन में थोड़ी यहाँ ऊपर गए थे, अब वापस जा रहे हैं इन स्टेयर्स। दोनों साइड से आ सकते हो आप, इधर से भी आ सकते हो और इधर से भी आ सकते हो, इधर से तो हम इधर से उतरते हैं और एक राउंड लेता हुआ फिर अपने ये जो शू पॉइंट है यहाँ से अपना शू पिक करेंगे। और ब्यूटीफुल प्लेस बेशक हुआ, बहुत मज़ा आएगी आपको, बहुत अच्छा लगेगा, इट्स सो पीसफुल। तो यहाँ पे डेली शेड्यूल दिया हुआ है, टेंपल टाइमिंग है 5 AM से 10 PM तक, और आरती का टाइम दिया हुआ है 6 बजे से सुबह 7:15 तक। सत्संग है हॉल में, सत्संग भी यहाँ होता है जो कि 8 बजे से 9 बजे तक है सुबह में, और इवनिंग आरती भी होती है जो कि 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में होती है। और म्यूजियम खुलता है यहाँ पे मॉर्निंग 9 AM से इवनिंग 7 PM तक, सारी फैसिलिटीज वगैरह सब यहाँ बुलेटिन पे दिया हुआ है। और हम जा रहे हैं अपना शो पिक करने के लिए। तो गाइस हम करते हैं अपने व्लॉग को आज यहीं पे एंड, फिर से आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे को, तब तक के लिए आप हमारा साथ अपने साथ बनाए रखिएगा। एंड इफ यू लाइक द व्लॉग डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड इफ यू आर हैविंग एनी सजेशन देन प्लीज कमेंट इन द बॉक्स। So do like and subscribe or comment.